बोस परिवार सुबह सुबह बैठे हैं और शुभो सारे रिश्तेदार और दोस्तों को फोन करके बता रहा है कि शादी की कई रस्में कैंसिल हो गई है। शादी में क्या हुआ आपको पता तो चली गया होगा। यस शुभांकर, सुना मैंने। बच्ची कैसी है? अर्शी की हालत अभी ठीक नहीं है, उसे काफी बर्न इंजरीज हुई है, वो फिलहाल बर्न वार्ड में है, आज उसकी सर्जरी भी है, इसलिए हमें सारी रस्मों को और बहुभात को कैंसिल करना पड़ा। ला माफ कर दीजिए, मैं चाहता था कि आपको टाइम से इन्फॉर्म कर दूं कि आप यहाँ पे आए ना और टाइम ना वेस्ट हो। अरे कैसी बात कर रहे हो, मैं सब समझता हूँ। शुभांकर बिटिया को पहले ठीक होने दो, मुझे खबर करते रहना। हाँ जी दा, थैंक यू। और अब बिपाशा भी बोलती है कि कितना बड़ा हादसा हो गया और कितना ऑकवर्ड लग रहा है, अब सबको ये सब बताना पड़ रहा है। पर शुभो भी बोलता है कि वो कर भी कुछ नहीं सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं अब उनके पास और सब टेंस्ड है कि अब आगे क्या होगा। पर शुभो को और भी कॉल्स करने हैं और गेस्ट लिस्ट से नाम मांगता है लाल से और फिर एक कॉल करने के लिए फोन उठाता है, सबको रोकना जो है आने से। और वहीं जहां शुभो बात कर रहा है, तनुजा का फोन बजता है और सृष्टि का फोन आया है और अब घबराए हुए फोन उठाती है तनुजा कि अब क्या बोलेगी सृष्टि। और तनुजा, अनिरुद्ध घर पर है? अनी थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल के लिए निकल गया। अर्शी की कोई खबर? बस वैसी ही, एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। मैं आपके घर आ रही हूँ। वो लड़की छनक है ना? हाँ हाँ, वो लड़की घर पर ही है, कहाँ जाएगी वो? उसका रहना बहुत जरूरी है और आज अगर वो नहीं भी होती ना तो भी मैं उसे ढूंढ लाती। और नफरत की आग तो झनक को लेकर अब और भी बढ़ गई है। और अब बात करे तो भी क्या, पर सृष्टि आगे बोलती है, मैं अकेली नहीं आ रही हूँ। वो तो मैं समझ ही गई थी सृष्टि। नजर रखिए उस पर, जाने मत दीजिए उसे। कहाँ जाएगी वो लड़की, भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके उसके। ऐसी लड़कियाँ नए रास्ते ढूंढ लेती है तनुजा। सृष्टि प्लीज आप चिंता मत कीजिए, हमारी नजर है उस लड़की के ऊपर, उसे घर के बाहर तक नहीं जाने दे रहे हम। और आगे भी अब सृष्टि को बताती है तनुजा कि कैसे उन्हें सबको फोन करके रस्में कैंसिल की खबरें देने पड़ रही है और इससे उनकी कितनी नुकसान भी हो रही है और कैसे उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई है ये सब होने से। अब बहुभात भी कहाँ हो पाएगा, अनी के बाबा सबको कॉल करके मना कर रहे हैं। देखिए, इसी कारण से हमें बहुभात कैंसिल करना पड़ रहा है, आग लग गई थी, हॉस्पिटल भागना पड़ा। और सभी दुखी हैं इस वक्त, पर तनुजा सृष्टि को आने के लिए जरूर बोलती है, पर तनुजा को क्या पता कि इस खबर से सृष्टि को कोई फर्क नहीं पड़ता जब वो ये बोलती है। आज तो मुझे आना ही था तनुजा, मेरी बेटी पर उसने जो वार किया है ना, तब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और हाँ, अगर मेरे इस कदम से अनिरुद्ध को ठेस पहुंचे और वो अब अर्शी से शादी करने से मना भी करे ना, तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मतलब शादी करने से मना करेगा? नहीं नहीं सृष्टि, शादी में अब रस्में कितनी बाकी है। हाँ वही, लेकिन अब अगर कुछ कैंसिल होना है तो वो हम करेंगे। और सृष्टि की ऐसी बातें सुनकर अब तनुजा भी शॉक्ड होती है। मेरी बेटी अनिरुद्ध से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। सृष्टि प्लीज आप ऐसी बातें मत कीजिए, आप तो जानती है अनी अर्शी से कितना प्यार करता है, कल रात भी वो हॉस्पिटल में था और आज सुबह उठते ही हॉस्पिटल चला गया है। पर उसे क्या पता कि सृष्टि के नजर में अनी भी गुनेगार है अर्शी का। पर तनुजा सृष्टि को बोलती है कि वो ऐसी कोई भी बात ना करे, पर सृष्टि नहीं रुकती। आपने भी देखा ना, अर्शी को होश आने के बाद उसने किसी से भी बात नहीं की, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो अभी भी शॉक में है। और अब तनुजा अनकंफर्टेबल सी हो जाती है सृष्टि की बातों से, जहां सृष्टि बोलती है कि उसे पता है कि अर्शी के मन में क्या चल रहा है, आखिर माँ है उसकी वो। तो बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। एनीवेज मैं आ रही हूँ और हाँ, किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है।
बट किसी को भी नहीं पता कि सृष्टि का जाल बिछने वाला है जिसमें शायद सब कोई अब फंस जाएगा और बर्बाद भी हो जाएंगे। और तनुजा को सृष्टि की इन बातों से कहीं ना कहीं डर तो जरूर लगता है। और अब बिपाशा और लाल भी उठकर आते हैं सुनने के लिए कि आखिर काकी क्या बात कर रही है, और पूछते हैं तनुजा से, और वो बताती है वही कि उन्हें कुछ जरूरी काम है। हाँ, उन्होंने बोला ही था पुलिस में कंप्लेंट फाइल करेंगे। उनकी बेटी के साथ जो हुआ है ना, उसके बाद उन्हें कंप्लेंट करनी ही चाहिए। बिपाशा, झनक कहाँ है? क्या पता कहाँ है, आज तो नीचे भी नहीं आई। पर क्या इस समय भी बिपाशा को घर का काम सूझ रहा है? और झनक को बेशरम लड़की बताती है कि अब तक नहीं उठी है। एनीवे काकी, आप काकू को बताएंगे ना? हाँ मैं बताऊंगी, लेकिन सुबह से ही कॉल पर बिजी है, अभी बताती हूँ उन्हें। शुभो को बताना है कि सृष्टि के कॉल के बारे में, पर ये सब अब झनक के खिलाफ कितने बड़े कदम उठाने जा रहे हैं बिना कोई जांच पड़ताल के, क्या ये सही है? और क्या अब भी अनी आएगा झनक को बचाने? देखते रहिए आगे क्या होता है। सृष्टि जब बोस के घर में पहुंचती है।